देखो संधि और संयोग में अंतर क्या है। संधि और संयोग में अंतर, संधि और संयोग में अंतर क्या है? हम यहां पर बात करते हैं। देखो संधि और संयोग, संयोग में क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता है, शब्द या वर्ण जो है वो जैसे के तैसे ही बने रहते हैं, जब भी संधि में परिवर्तन होता है। पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर क्या होता है इसमें कि दो ध्वनियों में जब समानता नहीं हो, दो ध्वनियों में क्या नहीं हो, जब समानता नहीं हो या विकार नहीं हो तो वहां पर संयोग मात्र ही होगा। वहां पर क्या होगा? संयोग मात्र ही होगा। जैसे हम बात करें कि जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि संधि में परिवर्तन होना अनिवार्य है, संयोग में परिवर्तन होना अनिवार्य नहीं है। इन बातों का ध्यान में रखना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई संधि जो है वो कितने प्रकार की है और संधि में किस प्रकार से इसको बनाए। तो देखो संधि तीन प्रकार की है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि संस्कृत में संधि तीन है, उसी प्रकार से हिंदी में भी संधि तीन ही स्वीकार की गई है। ये डायग्राम देखा, तीन प्रकार है ना। एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तीन प्रकार। इसमें क्या है, इसमें स्वर धने स्वर मिलकर संधि बनती है, दोनों स्वर होंगे। जबकि इसमें क्या है, इसमें स्वर धने व्यंजन, व्यंजन धने स्वर और व्यंजन धने व्यंजन, ये होता है। जबकि इसमें विसर्ग धने स्वर और इसमें विसर्ग धने व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है और विसर्ग के साथ व्यंजन भी हो सकता है। अब इसके हम भेद की बात करें तो इसके पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच भेद। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है गुणे, तीसरा है वृद्धि, यणे और अया। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। क्योंकि इनमें कई प्रकार से स्वरों में भिन्नता पाई जाती है, कई प्रकार से मतलब जो स्वर है इनमें भिन्नता पाई जाएगी। इस कारण से भिन्न भिन्न होने के कारण से ये स्वर भी, स्वर संधि भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाएगी। अब मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये तीन है। तो स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर चाहे तो ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, इसमें बाध्यता नहीं है। स्वर ह्रस्व हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, जहां पर दो या दोनों स्वर समान हो सकते हैं या असमान। ऐसी स्थिति में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी।
स्वर और व्यंजन मिलते हो। जरूरी नहीं किसमें स्वर और व्यंजन हो, ये जरूरी भी नहीं कि पहला पद व्यंजन हो, मतलब इसमें ये तीन स्थिति है, तीन स्थितियों में स्वर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन स्वर और व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन और स्वर भी हो सकता है, व्यंजन और व्यंजन भी हो सकता है। जब भी स्वर संधि में ये बात देता है कि स्वर ही होने चाहिए, चाहे वो समान हो या असमान, कैसी भी स्थिति में हो उस स्थिति में स्वर संधि स्वर ही होगी, स्वर संधि होगी। समान यदि दोनों स्वर आ रहे हैं, समान आ रहे हैं या असमान आ रहे हैं, तो वहां पर स्वर संधि ही होगी। और इसमें क्या होता है कि इसमें स्वर विसर्ग, मतलब विसर्ग के साथ में क्या जुड़ जाता है, या तो स्वर जुड़ जाएगा या फिर व्यंजन जुड़ जाएगा। जहां पर विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन जुड़ जाता है वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। अब हम बात करते हैं नंबर ए पे, स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा नंबर ए, स्वर संधि दो समान, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो विकार का मतलब परिवर्तन होता है, है? ध्यान रखना, स्वर संधि की परिभाषा क्या हुई कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम, विद्यालय, देखो विद्यालय, अब यहां पर दो समान स्वर आएंगे, कैसे देखना है इसका, यदि हम विग्रह करते हैं तो आते हैं विद्या धने आलय, विद्या धने आलय, कैसे आया, यहां पर देखो क्या आ रहा है आ, और यहां पर क्या आ रहा है हा, ये दोनों क्या है स्वर, ये भी स्वर, पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर, जब दोनों स्वर मिल जाए, दोनों स्वर मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। अब यह मत देखना कि यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी आ रहा है, यह बात की बात है, क्योंकि हम इसके प्रकार या इनको इनके जब भेद पड़ेंगे तब इस बात का खुलासा हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं भाई, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब स्वर संधि के भेद की बात करते हैं, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, भिन्न भिन्न स्वर होने के कारण से यहां पर स्वर संधि भी भिन्न प्रकार की ही होगी, कितने प्रकार की होगी, अलग अलग प्रकार की। तो इसके स्वर संधि के भेद की बात करते हैं, तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, पांच। नंबर एक, दीर्घ स्वर संधि, नंबर दो गुणे स्वर संधि, नंबर तीन वृद्धि स्वर संधि, नंबर चार यणे स्वर संधि, और नंबर पांच
अयादि स्वर। कितने वेद होंगे? पांच। दीर्घ गुणे वृद्धि यणे अयादि, ये पांच प्रकार की संधि हो गई। अब देखो इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वर चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों मिलकर कौन सा स्वर बन जाता है? दीर्घ बन जाए। यानी कि ह्रस्व और दीर्घ मिलने के बाद में, या दोनों ह्रस्व भी हो सकते हैं, दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं, या एक ह्रस्व एक दीर्घ भी हो सकता है, कैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में यदि वो दीर्घ बड़ा बन जाए या दीर्घ स्वर बन जाए तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इसकी देखो पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा, ए आ, इसके बाद में चाहे ए आए या आ, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आ बन गया। उसी प्रकार से यह ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो भी क्या होगा? आ होगा। उसी प्रकार से ई ई, इसमें भी क्या जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा? ऊ। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, क्योंकि शब्द देखो आप इधर दिख रहा है कि ए ये ह्रस्व है, ये क्या है? दीर्घ है। ये ह्रस्व ये दीर्घ, इधर ये ह्रस्व ये दीर्घ, कैसी भी स्थिति आ जाए, देखो ये स्थिति ऐसे भी हो सकती है तो भी आई बनेगा, ध्यान देना, ये ऐसा भी हो सकता है तो भी आ ही बनेगा, ये भी आ ही बनेगा और ये भी आ ही। ये चारों स्थितियों में क्या बनेगा? हमेशा दीर्घ ही बनेगा, चाहे कैसा भी हो। ए और ए ये दोनों ह्रस्व हैं, इधर ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है, ये दीर्घ ये भी दीर्घ, ये ह्रस्व और ये दीर्घ, कैसी भी स्थिति हमारे सामने आ जाए तो वहां पर क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। और इसमें एक शर्त और भी है, इसमें समान स्वर की संधि होगी, इसकी समान स्वर की संधि होगी। समान स्वर कौन कौन से भाई? जैसे ए आ, ई ई, ऊ ऊ, ए आई, ठीक है, ये समान है, ओ औ, ये समान स्वर है, लेकिन ये जो दूसरी संधि में आ जाएंगे, ये तो समान स्वर की बात कर रहे हैं, इसमें ए ई उ ये जोड़ा जब मिल जाता है, ये समान स्वर आते हैं तो यहां पर हमेशा यही होगा, यही होगा हमेशा, ये ध्यान रखने वाली बात। तो ये दीर्घ संधि थी, इसमें कई आपको बताएंगे लिखवाएंगे उदाहरण भी। अब गुण संधि की हम बात करते हैं, देखो इसकी पहचान की है कि ध्यान रखना आपको, यदि पहचान करनी है तो हमेशा जहां पर ये आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि होगी, मतलब इसमें बड़ी मात्रा आएगी आपकी या बड़ी इनकी या बड़ा उनकी मात्रा, ये तीनों स्थिति में यहां पर दीर्घ संधि ही होगी। गुण संधि की बात करते हैं तो गुण संधि में क्या होता है कि इसमें जो है वो ए आई आता है, ए आई, ठीक है, ए आई, इसमें गुण संधि में गुणे संधि और
इसमें बड़ा हो जाता है आई औ, है ना, तो इसमें जैसे ए आई आएगा, ये किसमें आ जाएगा, गुणसूत्र। पहले वाले में क्या आ रहा है, आ ई उ आ रहा है, इसमें ए आई आ रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर की जो संधि है इसमें ओ औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ, इसमें वर्दी। और यण में जो है वो इसमें हमेशा ही क्या लाएंगे, जो हलंत वाले वर्ण है वो आ जाएंगे, हलंत वाले, हलंत वाले आते आते अक्षर आ गए, जैसे अध्यक्ष इत्यादि, ठीक है। ऐसे जब वर्ण आ जाए, मतलब आते आ जाए बीच में उनके टुकड़े करें, तो हमेशा ही वो हलंत वाले जब आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, यण संधि होती है, सॉरी यण होगा, हाँ यण। और अयादि में जो है इसमें परिवर्तन हो जाता है, और वो परिवर्तन आव अक् पावक धावक ऐसे होते ना, वो इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही काफी है, और आपके लिए अगले अंक में मैं फिर से आपके लिए नया एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।